हेलो गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर। मैं हूं मोहम्मद। और मैं हूं जफर इकबाल। और आज हम देखने जा रहे हैं भाई, नेक्स्ट एपिसोड 100 पर पहुंच चुके हैं भाई, 100 पर। तो करते हैं भाई वीडियो स्टार्ट और देखते हैं, क्योंकि पिछले पार्ट में, चलो खैर अब नए पार्ट ही देखते हैं, तो इनमें ही देखते हैं कि आगे क्या होता है। करते हैं वीडियो भाई स्टार्ट। वैसे मज़ा काफ़ी आने वाला है। अच्छा, प्रतियोगिता शुरू करने से पूर्व मैं स्वागत करता हूं एक ऐसे अतिथि का जिसे मेरी बूढ़ी आंखें देख रही हैं कि ये युवान वास्तव में युग पुरुष बनेगा। कौन है? कौन है? और धर्म युग का आरंभ करेगा। पधारिए वासुदेव। वासुदेव शकुनी भी बैठा है। हाय हाय, अब दिल भी मारते हैं। क्या प्रोटोकॉल दिया है भाई द्रुपड़ ने, सारी कसरें निकाल। ये प्रोटोकॉल की जरूरत नहीं है, कदम रखेंगे। भारतीय तो बाप से निकले हैं। टक्कर के लोग आए। चुप चुप वासुदेव कृष्ण। यही एक व्यक्ति है जिसके साथ बुद्धिमान मनुष्य सदा ही मित्रता रखता है। ऐसा क्यों मामा श्री? मेरे बच्चे क्योंकि सारे आर्यावर्त में यही है जिनके साथ शत्रुता करने का सामर्थ्य हमारे पास नहीं। नहीं नो नो बस। ये बैठा हुआ देख रहा है। आया, आया। ओ, पहली नजर ही ये तो खास है, है? ओ, ओ। ये मुझसे भी अधिक बुद्धिमान और कुटिल है। हाँ जी, सब जानता है आपको। वो कौन सा भूले हुए हैं फिर है? आप कई अंत करने के लिए आए। उठ भाई उठ। एक 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 कौन है शकुनी? कौन है शकुनी? शकुनी के बारे में बताइए जरा। मुस्कुरा के वासुदेव, आपके दर्शन की बहुत इच्छा थी हृदय में। प्रणिपात मामा श्री। ओए, 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 आपने तो मुझे मामा बना लिया। मामा बना लिया। मेरे भ्राता दुर्योधन के मामा श्री हैं आप। हाँ जी,
तो आपको मुझे मामा श्री कहकर ही सम्मान देना होगा ना? जी बिल्कुल। नहीं वासुदेव, नहीं 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 नहीं, आपका मामा बनने में डर लगता है। ऐसा क्यों मामा श्री? क्यों भाई क्यों? मेरे हाथों मेरे मामा कंस का कल्याण ही हुआ था। हाँ जी, पापों से मुक्त हो गए। हाँ जी। बस इतना कुछ ही कहे। प्रणिपात भ्राता दुर्योधन। कल्याण हो भ्राता कृष्ण। बस इतना ही बहुत। प्रणिपात वासुदेव। कल्याण हो दुशासन। कर्ण। और आप अवश्य ही अंगराज कर्ण हैं। हाँ जी, पहचाना है। आपके मस्तक का तेज देखकर कोई भी आपके सामर्थ्य को जान सकता है। प्रणिपात, प्रणिपात वासुदेव। आपको मिलना मेरा सद्भाग्य है। समग्र आर्यावर्त में आपके ही धर्म की चर्चा है। हाँ, धर्म विषय ही ऐसा है अंगराज कर्ण। धर्म की चर्चा सभी करते हैं, किंतु धर्म को सब जान नहीं पाते। तो आप बताइए, क्या है धर्म को जानने का मार्ग? धर्म से सम्मान मिलता है अंगराज। जीवन में यदि अपमान मिले तो ये मानना उचित होगा कि धर्म का वहन नहीं किया, और जिसे जन्म से ही केवल अपमान ही मिला हो। सही बात। वो क्या करे वासुदेव? हाय, दिल चीर दिया। सम्मान के लिए संघर्ष करे, किंतु अधर्म का साथ ना दे। ना दे, बिल्कुल। अपने अधिकार के लिए अवश्य लड़े। हाँ जी, किंतु जिस पर अधिकार नहीं उसका मोह ना करे। मोह ना करे, बिल्कुल। तात्पर्य ये अंगराज कि बड़े से बड़ा पर्वत भी छोटी सी नदी का मोह नहीं रखता। नदी को रोकने का प्रयत्न करने वाले पर्वत को टूटना पड़ता है। नदी पर अधिकार तो समुद्र का ही। आप समुद्र की शक्ति की बात कर रहे हैं या पर्वत की निर्बलता की? वासुदेव, मैं नदी की नियति की बात कर रहा हूँ। ये पॉइंट है, नियत पर है ना। सावधान, दिव्य जन्मा, पुण्य प्रभा, भुवन सुंदरी, सौभाग्य कांक्षिणी, यज्ञ सेनी, राजकुमारी द्रौपदी पधार रही है। द्रौपदी भी आ रही है।
वेलकम बॉय भाई, आखिर उस चीज का जिस चीज का हमें इंतजार था आज वो हो गई है भाई, के कृष्णा जी और मामा शकुनी की जो एंट्री आज मामा शकुनी एक दूसरे के साथ मिले है ना, एक तो एंट्री मस्त हुई है कृष्णा जी की, ये तो एक आते ही मामा शकुनी है, मामा कमाल गाती है, शकुनी को भी परेशान कर शकुनी भाई देखा ना, शकुनी तो बेचारा हिल गया था, हिल गया था बिल्कुल, आज अपने मुंह से मान गया, मुंह से मान गया कि भाई एक बात ये चीज है जिसका कोई तोड़ नहीं है, तोड़ नहीं है और मुझसे बुद्धिमान है ये, लेकिन आकर शकुनी का एक ऊपर से मजाक भी उड़ा दिया मेरे बच्चे मेरे बच्चे बच्चों के बच्चे भी नहीं कहा, नहीं नहीं वो तो नहीं कहा, वो कहेंगे मुझे तो लगता है बच्चे कहेंगे, सिर्फ शकुनी मामा ही कहेंगे, शकुनी मामा फेवरेट है ना उनका, क्योंकि वो मामा है तो आप मामा ही बोलेंगे, भाई बच्चों के सामने उसकी इतनी कर दी मामा शकुनी मजा आ गया यार, जो है ना वो बड़ा जो है ना एक दिल में एक अरमान था बहुत बड़ा कि काश एक सामना हो भाई, और जब से शुरू की हुई है ना माँ बार तब से यही ख्वाहिश थी कि शुभिंदु को एक बार कृष्णा जी मिले, हाँ जी मिले और मिलते ही कुछ ऐसा करें कि हम जो है ना वो हैरान और परेशान और खुश हो जाए, और उसके ऊपर जो है ना वो बिल्कुल एक्यूरेट चीजें हो गई हैं, ख्वाहिश हमारी ख्वाहिश है, हमारे दिल के अरमान जो है ना वो पूरे हो गए, लेकिन आप पॉइंट इधर और भी आप देखो ना, कृष्णा जी ने मतलब के करण को एक नसीहत भी की है, लेकिन फिर भी अगर करण ऐसा करता है ना फिर भाई एक ये तो अधर्म होगा, एक करण के अंदर जो एक चीज बनी हुई थी ना कि मेरे साथ अधर्म हुआ है तो मैं जो है ना वो मतलब ये इसलिए मैंने ये एक रास्ता चूज किया, तो उसके ऊपर उन्होंने एक क्लियर जो है ना वो किया है कि भाई अगर हुआ है तो उसके ऊपर आप थोड़ी एफर्ट करते, आप एक गलत का साथ ना देते, ठीक है, आप नहीं कि एक आपने एक डिसाइड कर लिया कि मैं अब इस साइड के ऊपर बैठ जाऊंगा, ठीक है, इस चीज को आप डिफेंड करेंगे, अब आपके हाथ में है, बाकी उनको भाई जी करण बहुत पसंद आया, बहुत ठीक है ना, उनको इस चीज के ऊपर बिलीव भी है, जिस तरह उन्होंने पहले ही बता दिया था कि दो बंदे ऐसे हैं जो ये काम कर सकते हैं, अर्जुन और करण दोनों का नाम तो उन्होंने लिया था, बहुत अच्छा जो है ना वो, बाकी द्रौपदी की अगर बात करें तो भाई एक टाइम था द्रौपदी जो है ना उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था, और ऐसा करिश्मा हुआ कि आज उसको इतना प्रोटोकॉल दिया, मतलब आपके सामने उसको किस हद तक जो है ना वो इतनी वैल्यू या इतनी अहमियत दी कृष्णा जी ने, भाई एक अहमियत दिखाई है ना, दिखाई एक पुत्री की, हाँ जी, तो अब समझ भी उसको आ गया लेकिन लेट आई है, इतने मतलब के सेना भी उसने मराई, उनकी मृत्यु हुई और ऊपर से एक फिर भी समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन फिर भी एक उन्होंने एक ऐसा किया जो कि उसकी पुत्री की वजह से उसकी जान बच गई है, ये मेन रीजन, तब से वो समझे। तो खैर अब आमना सामना हो रहा है, सब हमारे भी आज जो है ना दोस्त बोल रहे थे जल्दी टकराओ, सबको इंतजार था, तो खैर अब टकराव हो ही गया, तो अब नेक्स्ट देखेंगे क्योंकि नेक्स्ट और भी इंटरेस्ट होगा, देखने वाला होगा अगला पार्ट भी, तो मिलते हैं फिर भाई अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए इजाज़त, गुड बाय, टेक केयर।